अलंगर कोसीर के कुसलाई मंदिर में इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा जाता है कुसलाई माता संतान दायिनी हैं और जो भी उनके दरबार मनोकामना लिए जाते हैं उनकी मनोकामना मां की कृपा से जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि कोसीर में मां कुसलाई की दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि कोसीर लव कुश की नगरी है और उन्होंने ही माता की यहाँ स्थापना की थी। तब से मां कुसलाई की नित प्रतिदिन पूजा होती चली आ रही है। रायगढ़ जिले के सबसे बड़े गांव माने जाने वाले कोसीर की अगर रुख करें तो कोसीर रायगढ़ से 66 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और चंद्रपुर चंद्रहासनी मंदिर से 34 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहा जाता है कि कोसीर के कुसलाई दाई चंद्रहासनी माँ की छोटी बहन है एवं कुसलाई दाई की छोटी बहन ग्राम मलदा आम में विराजी है। मंदिर में आने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। यही नहीं, मन में जो भी इच्छा होती है उसे माँ कुसलाई जरूर पूर्ण करती है। बताया जाता है कि मंदिर के पीछे जो तालाब है केदार के दमदरहा से जुड़ा हुआ है। कोई भी सामान यहाँ डूबता है तो केदार में दरहा दाई के पास दिखता है। सारंगढ़ के राजा जवाहरी सिंह के द्वारा यह घटना को देखा गया तथा इसकी स्थापना सारंगढ़ के राजा नरेश सिंह के पिता जवाहरी सिंह के द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि माँ कौशलेश्वरी संतान दायिनी और सुखदायिनी एवं भक्तों के कष्ट हरने वाली है और वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। वैसे तो माँ कौशलेश्वरी के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोसीर अंचल के साथ साथ अन्य जिले से भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि माँ कौशलेश्वरी और उनकी छोटी बहन मलदा आ में मलदिहीन दाई के नाम से जानी जाती है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ कौशलेश्वरी और मलदिहीन दाई की एक पौराणिक कथा भी है जिसमें कोसीर के कुसलाई दाई के मंदिर में जहाँ पर बलि दी जाती है उसकी खून के निशान मलदा के बौली के पास देखी जाती है और यह दोनों देवी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों की महिमा एक समान मानी जाती है। जहाँ सप्तमी को दोनों जगहों के मंदिरों में भक्त अपने मन की इच्छा पूरी होने से कर नापते हुए मंदिर तक जाते हैं और अपने लिए तथा अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तथा इन दोनों जगहों पर रात्रि में रंगमंचीय माता जसगीत में कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाती है और भक्त रात्रि में जागरण करते हैं और यहाँ साधारण दिनों में भी भक्तों का आना जाना लगा रहता है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं सप्तमी को क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष व उनके पति गणपत जांगड़े ने क्षेत्र जनता की खुशी सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हुए लोगों में प्रसाद का वितरण किया। अर्जुन बरेट, कहाँ से आए आप? हम लोग रनपोटा से आए हैं। अच्छा। हर साल इसी तरह से आते हैं नवरात्रि पर्व में। यहाँ कोसीर के कुसलाई मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ बहुत भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। हर वर्ष इसी तरह यहाँ मेला जैसे भीड़ लगता है और भक्तजन अपना मनोकामना पूर्ण करके यहाँ पूजा करके अपना मनोकामना सफल करते हैं। विगत वर्षों में भी माता जी के प्रांगण में महाभंडारा का आयोजन करते हैं। उसी हिसाब से आज भी सभी श्रद्धालुओं को भंडारा का व्यवस्था किए हैं। प्रसाद के रूप में सबको खीर पूरी का व्यवस्था करके वितरण कर रहे हैं। यहाँ कोसीर के प्राचीन नगरी है और यहाँ सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है और माता जी सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती है। श्याम सुंदर, एकर महत्व जैसे भी कल्पना करबे आबे बाल बच्चा बर आबे और कल्पना करबे तो बाल बच्चा हो ही। जैसे भी तोर कल्पना रही दे चीज मोला प्राप्त हो माँ कबे वो हो ही। हाँ पूरा मिल गए है। मोर बहू के बाल बच्चा नहीं होते रही, आठ ठा बैगा कर रहे हैं। तो सुसलई माँ सपना दी
कि मोर जगह लाम तोरे मोर पुजारी घर के ते धीदा मांदस ते नहीं जाना तस कही ते हल्ला के वाला बहुत खमान का दे पान प्रसाद ओकर बाल बच्चे हुई लक्ष्मण प्रसाद चंद्र। ये जो कोसिर कुशलाई देव मंदिर है इसकी विशेष महत्व क्या है? इसकी विशेष महत्व ये है कि जो भी वो यात्रा लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लोग बाग अपना कर नापते हुए आते हैं, सातवें के दिन काफ़ी मात्रा में रहती हैं, शेष दिन तो बहुत कम रहता है, बाकी सातवें की रात बहुत अधिक मात्रा में यहाँ लोग आते हैं। मैं नरोत्तम सुनवानी। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से कोने कोने से यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, और ये लगभग 16वीं शताब्दी से मतलब माँ यहाँ प्रकट हैं। विशेष किसी का यदि बाल बच्चा नहीं हो रहा हो तो श्रद्धा भक्ति से यहाँ आते हैं तो उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, और किसी भी प्रकार का दुख दंड लेकर आते हैं मनोकामना उनका जरूर पूर्ण होता है। फिरोज यहाँ आप जा रहे हैं? हाँ। ये जो तालाब है यहाँ पे बना हुआ है उसका क्या महत्व है? ये बहुत बड़ा महत्व है, ये 15 किलोमीटर में एक सुरंग है, यहाँ का कुछ बुढ़ता है ना वो किरार पे जाकर निकलता है, वहाँ का सामान बुढ़ता है तो यहाँ पे आता है। कोसिर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट ACN 24।